हे गाइस, लेट्स कुक विद सुचिता चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्र के लिए समा के चावल की टेस्टी और जल्दी से बनने वाली हलवे की रेसिपी बता रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके आपको। हलवे को बनाने के लिए एक कटोरी मैं समा के चावल ली हूँ और एक कटोरी चीनी ली हूँ और सेम क्वांटिटी में एक कटोरी मैं घी ली हूँ। तीनों इक्वल क्वांटिटी में रहेगा। और मैं बड़ा चम्मच किशमिश, एक बड़ा चम्मच काजू और एक बड़ा चम्मच मैं बादाम ली हूँ बारीक काट करके। और इसमें दो कटोरी दूध, दो कटोरी पानी ली हूँ। एक कढ़ाई में मैं पहले दो चम्मच घी डाल करके ड्राई फ्रूट्स को भून ले रही हूँ। इसी एक कटोरी में से मैं दो चम्मच ली हूँ घी को और मैं एक एक बड़ा चम्मच ड्राई फ्रूट्स सब ली हूँ। ड्राई फ्रूट्स आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं एक एक बड़ा चम्मच ली हूँ, सबको बारीक काट करके ली हूँ। इन सबको मीडियम फ्लेम पे मैं भून ले रही हूँ, ज़्यादा लाल नहीं करना है। अब मैं इसमें किशमिश डाल दे रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का गुलाबी होते ही इसे मैं निकाल लूँगी। देखिए किशमिश फूल गया है, अब मैं निकाल ले रही हूँ सारे ड्राई फ्रूट्स को घी में से। सारे देखिए ड्राई फ्रूट्स को मैं निकाल ली हूँ। अब मैं इसी में बाकी के घी डाल दे रही हूँ। एक कटोरी जो घी था उसे डाल दे रही हूँ और मैं समा के चावल भी डाल दे रही हूँ इसमें एक कटोरी। इन सबको मैं मीडियम फ्लेम पे भून ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है, मीडियम टू स्लो फ्लेम पे इसे भूनना है। देखिए चावल फूलने लग गया है, इसे तेल में डालते ही ये फूलने लग जाता है इस तरह से। और कलर भी देखिए चेंज हो गया है, इसे हल्का गुलाबी होने तक पकाना है। अब मैं सॉसपेन में दो कटोरी दूध डाल रही हूँ। और मैं दो कटोरी पानी इसी में डाल करके गैस पर गरम करने के लिए रख दूंगी। मैं गैस पर रख दी हूँ गरम होने के लिए। दूध में देखिए बॉयल आने लग गया है, दूध गरम हो चुका है। अब मैं इसी में फ्लेम को स्लो कर दी हूँ कढ़ाई का और उसमें दूध डाल दे रही हूँ। धीरे धीरे करके दूध डालें या चाहे तो आप गैस बंद भी कर सकते हैं। मैं सारे दूध डाल दी हूँ और मैं मिक्स कर ले रही हूँ। देखिए मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे ढक करके 7 से 8 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दे रही हूँ स्लो फ्लेम पे। देखिए 7 से 8 मिनट हो चुका है, मैं ढक्कन खोल के आपको दिखा रही हूँ। देखिए पक चुका है समा के चावल दूध में। आइए मैं आपको हाथ से दिखाती हूँ। देखिए गल गया है एकदम अच्छी तरह से। अब मैं इसमें चीनी डाल दे रही हूँ एक कटोरी। इन सबको डाल करके मैं मिक्स कर ले रही हूँ। चीनी को डालने से इसमें पानी छोड़ देगा, देखिए
मिक्स हो चुका है चीनी एकदम और गल गया है। अब मैं इसी समय केसर वाले दूध फुला करके रखी हूँ कटोरी में, उसे भी डाल दे रही हूँ। चीनी को मैं लास्ट में इसलिए डाली हूँ ताकि समा के चावल अच्छी तरह से पक जाए, पहले डालने से अच्छी तरह से नहीं पकेगा। अगर समा के चावल नहीं पके तो फिर से आप थोड़ा सा पानी डाल करके या दूध डाल करके ढक करके पका लें। अब मैं फिर से ढक दे रही हूँ 5 मिनट के लिए। देखिए 5 मिनट हो चुका है, समा का चावल पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और घी छोड़ दिया है, आप देख पा रहे होंगे, साइड से आप घी भी देख पा रहे होंगे छोड़ चुका है। अब मैं ड्राई फ्रूट्स डाल दे रही हूँ भुना हुआ और इलायची पाउडर डाल दे रही हूँ, 4-5 इलायची को मैं कूट करके डाल दी हूँ। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। हलवा देखिए हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, साइड से पूरा घी छोड़ दिया हलवा, यही इसकी पहचान है। हलवा पूरा घी छोड़ चुका है, बहुत टेस्टी बना है हमारा हलवा। सारा पानी सूख गया है, कितना मॉस्ट बना है। अच्छी तरह से घी डालने से हलवा काफ़ी मॉस्ट रहता है, इसीलिए घी में कंजूसी ना करें। आइए इसे सर्व कर देते हैं एक बाउल में। आप देख के ही समझ पा रहे होंगे हलवा बहुत टेस्टी बना है और बहुत हेल्दी भी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें अपने घर पर और अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको समा के चावल के हलवे की रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।